हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज मैं आपको पीपीएफ के बारे में बताऊंगा, जो कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। आप पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर सकते हो अगर, और ये काफी अच्छा इंटरेस्ट देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म मींस ज्यादा से ज्यादा 15 साल के लिए आप रख सकते हो। काफी अच्छी स्कीम है, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। आपको 15, अगर आप ईयरली 1 लाख रुपीज भरते हो तो आपको 15 साल में कितने मिलने वाले हैं, और टैक्स एक्सेम्पशन क्या है, कम से कम कितना आप भर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भर सकते हो। मैं चलिए शुरू करता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और ये कैलकुलेटर है, और मैं आपको हर साल का इंटरेस्ट भी बताऊंगा और कैसे ये कैलकुलेट होता है। तो ये वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ये देखिए फैक्ट्स अबाउट पीपीएफ। पीपीएफ हाल ही में 7.8% का इंटरेस्ट रेट देता है। ड्यूरेशन 15 साल की स्कीम है। कम से कम आप 500 रुपया हर महीने भर सकते हो, और मैक्सिमम डिपॉजिट पर ईयर 1.5 लाख रुपए है। 500 रुपए से 1.5 लाख तक आप भर सकते हो एवरी ईयर। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 12 है। अगर आप महीने के भरते हो तो 12 हफ्ते भरने पड़ेंगे। अगर ईयरली भरना है तो आप एक ही बार भर सकते हो। नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन ओपन, एक ही अकाउंट आप खोल सकते हो फैमिली मेंबर के लिए। 15 साल का लॉकिंग पीरियड है, और पार्शल विड्रॉल 6 ईयर के बाद आप कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा लिक्विडिटी के हिसाब से इस स्कीम में दिया गया है। एक्सटेंशन ऑफ पीपीएफ, अगर आफ्टर द मैच्योरिटी इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। और ये टैक्स सेविंग है। कंट्रीब्यूशन अंडर 80C के तहत 1.5 लाख तक आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट होने वाला है। ये जो 1.5 लाख आप भरेंगे, समझो साल का 1.5 लाख आप भरते हो, तो पूरी एग्जेम्प्ट है, टैक्स सेविंग होने वाली है। और जो भी इंटरेस्ट और फाइनल अमाउंट आएगा ये पूरा एग्जेम्प्ट है टैक्स से। आप इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हो, इसमें कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। ये तो डिटेल बता दी मैंने, मैं आपको कैलकुलेटर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने 1 लाख के ऊपर निकाल के रखा है। ये देखिए मैंने अमाउंट डाल दिए है, ये है पीपीएफ कैलकुलेटर। ये देखिए मैंने 1 लाख की अमाउंट एवरी ईयर के हिसाब से डाल रखी है, और मैच्योरिटी पे आपको 15 साल के बाद, 15 साल भरने हैं उसके बाद आपको मिलेंगे, मीन्स 28.8 लाख आपको मिलेंगे टोटल आफ्टर 15 ईयर्स। ये देखिए मैं आपको पहले कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 1 लाख आपने पहले साल में भरा है तो इंटरेस्ट आपको 7800 का मिलेगा। उसके बाद जो क्लोजिंग अमाउंट ये है, और ये जो क्लोजिंग अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट गिना जाएगा। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, तो इसमें आपको कंपाउंडिंग के हिसाब से अमाउंट ज्यादा मिलता है। 1,08,1,07,800 प्लस 1 लाख हो गया, उसके ऊपर ये आपका इंटरेस्ट होगा। मीन्स जो इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट आने वाला है नेक्स्ट ईयर से। तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा आपका 2,24,000 के करीब। फिर 2,24,000 प्लस 1 लाख थर्ड ईयर में भरते हो तो 25,000 का इंटरेस्ट आएगा आपको ईयरली। ये हो जाएगा 3,49,000, और इसके ऊपर लोन अमाउंट भी आपको मिलने वाला है। अगर आपको लोन लेना है तो 26,950 का लोन ले सकते हो थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में 56,000, फिफ्थ ईयर में 87,000, और 1,21,000 सिक्स्थ ईयर में। उसके बाद क्या होगा, 6 साल के बाद आप विड्रॉल भी कर सकते हो। टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 6 साल के बाद 7,86,834। उसके बाद 6 साल के बाद अगर आपको विड्रॉल करना है एवरी ईयर, तो हर साल आप विड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए मैं बता देता हूँ, 7th ईयर के बाद आपका हो जाएगा अमाउंट 9,56,000, उसमें से आप विड्रॉ 1,74,641 कर सकते हो। उसके बाद 8वें महीने में आपका हो जाएगा 1,13,000, 11,38,376, इसमें आप 2,42,000 का विड्रॉल, मीन्स आप आफ्टर 6 ईयर से विड्रॉवल कर सकते हो। अगर आपको विड्रॉवल नहीं करना है तो नहीं, लास्ट में अमाउंट लीजिए, आपको इंटरेस्ट के ऊपर ही भी
इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जो कि आपका पूरा अमाउंट बन जाएगा 28,81,834, और ये पूरा टैक्स फ्री है। ये आप किधर भी यूज करिए, कोई पूछने वाला नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी नहीं आएगा कि ये अमाउंट कहाँ से आया है, क्योंकि ये पीपीएफ का अमाउंट है। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट खोलना है तो आप पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हो, जो ये पीपीएफ का अगर ऑफिस है नजदीक में आपका वहां खोल सकते हो, बैंक में आप जाके खोल सकते हो, काफी सारे ऑप्शन है। कम से कम आप समझिए 1 लाख नहीं भर सकते हो तो साल का 12,000 पकड़े, महीने का 12,000, तो आपको कैसे इंटरेस्ट मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके, आपको टोटल कितना आएगा। ये देखिए टोटल आपको आने वाला है 3,45,818। आप 12,12,000 महीने के भर रहे हो, 12 × 10 = 12,000, उसके बाद 12 × 5 1,80,000 भर रहे हो और आपको 3,45,818 इतना मिलने वाला है आफ्टर 15 इयर्स। मीन्स अगर आप 1,000 रुपया महीने का भरते हो तो, या ईयरली 12,000, ये काफी अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम है और पैसा आपका डूबने वाला नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू की है। 8% नेट आपको मिलने वाला है और टैक्स सेविंग तो होने वाली है, तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी स्कीम है। अगर आप मिडिल क्लास या छोटे बिजनेसमैन हो या सैलरीड पर्सन हो तो इस स्कीम में जरूर लीजिए। ये हेल्प क्यों होने वाले हैं, क्योंकि आपके बच्चों का एडुकेशन के लिए आप ये जमा कर सकते हो, आगे 10वीं 12वीं या उसके बाद जो भी पीजी या डिप्लोमा करना है उसके लिए ये काम आएगा। लड़की है तो लड़की की शादी के लिए काम आ सकता है, अगर आपको वेकेशन के लिए काम आ सकता है आगे जाके। ये काफी अच्छी स्कीम है और ये हेल्प आगे सेविंग, छोटी छोटी सेविंग आपके लिए हेल्प होने वाली है। देखिए इसका ग्रोथ ईयर विद इंटरेस्ट, ये देखिए इतनी ग्रो, ये नुकसान वाला नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा इसमें डालने, गवर्नमेंट डालने वाली नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स में ही आपका पैसा यूज करेंगी और वहीं से आपको इंटरेस्ट देगी, तो मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन स्कीम है और आपको लेना ही चाहिए। ये काफी अच्छी स्कीम है, ज्यादा नहीं तो महीने का 1,000 रुपया भी आप भर देंगे तो आपके लिए अच्छी खासी एक सेविंग हो जाएगी 15 इयर्स के लिए। चलिए आज यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना था जो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा है। चलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए थैंक यू, और अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक जरूर कर देना।